मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। जाति गणती की रिपोर्ट सीएम सिद्धरामैया को की गई पेश, दलित और मुस्लिम सबसे अधिक। जिंदाबाद मामला, 26 लोगों से होगी पूछताछ, नामों की लिस्ट जारी। 7 लोगों की गई है आवाज रिकॉर्ड, FSL रिपोर्ट के बाद ही होगी कार्रवाई। कांग्रेस गारंटी समावेश के चलते एग्जाम जाने वाले बच्चे बस की कमी से तरसे। शहर में जंगल का नजारा, खाने की तलाश में हाथी बेचारा। विधान सौधा में भगवा शॉल पर पाबंदी, रोकने पर हुआ बवाल। कोलार, चिकमंगलुरु, बेंगलुरु में पानी का हाहाकार। बेंगलुरु में ब्लास्ट, भयानक आवाज, सिलेंडर से नहीं हो सकता ऐसा धमाका, पुलिस की जांच। मोदी को जिताओ देश बचाओ का 3 मार्च से होगा प्रचार शुरू। अब खबरें विस्तार से। जाति गणती की रिपोर्ट सीएम सिद्धरामैया को की गई पेश, दलित और मुस्लिम सबसे अधिक। जाति जनगणना रिपोर्ट ने एक बार फिर राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। बैकवर्ड क्लास कमीशन के अध्यक्ष रहे जयप्रकाश हेगड़े ने सीएम सिद्धरामैया को जाति जनगणना रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही खुद की पार्टी के अंदर इसका विरोध शुरू। इस रिपोर्ट को न अपनाने का विरोध, वीर शैव लिंगायत और वक्कलिगा समाज की तरफ से दबाव बढ़ रहा है सरकार पर। तो कई रुकावटों और हर 10 साल में एक बार होने वाली इस जाति गणती का लंबा अरसा बीत जाने से रिपोर्ट को बनाने में काफी दिन लगे। अब इसका विरोध इसलिए कि कुल 5,98,00,000 के बसने वाले लोगों के इस राज्य में सबसे ज्यादा SC अनुसूचित जाति के 1,08,00,000 तो ST अनुसूचित जाति के 40 से 45 लाख, मुस्लिम दूसरे नंबर पर 70 लाख, लिंगायत 65 लाख, वक्कलिगा 60 लाख, कुरुबा समाज सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग 45 लाख, जबकि सबसे ज्यादा SC ST और माइनॉरिटी समाज होने की इस रिपोर्ट से रिजर्वेशन, एजुकेशन के अलावा विकास और इन समाजों की तरक्की के लिए हुई रिपोर्ट के बाद होगा प्लान तैयार के कौन कौन सा समाज आगे और कौन सा समाज पीछे। आगे आए समाज ने पिछले जाति गणती से फायदा लिया है तो इस बार पीछे रहे समाज को आगे लाने, सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा के प्रमाण को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएं और फंड से इन जातियों को तरक्की दिलाना सरकार का धर्म होता है। इन आंकड़ों से नाराज लिंगायत और वक्कलिगा समाज, BJP और JDS है नाराज। अब देखना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर क्या फैसला करेगी सरकार, जबकि कैबिनेट में इस रिपोर्ट पर मंजूरी की बात कही है सीएम सिद्धरामैया ने। जिंदाबाद मामला, 26 लोगों से होगी पूछताछ, नामों की लिस्ट जारी। विधान सौधा जिंदाबाद मामले में 26 लोगों की लिस्ट जारी की है पुलिस विभाग ने, जिनसे पूछताछ और जांच के चलते पहले मरहले में 7 लोगों की वॉइस सैंपल जमा की गई है, जिनमें से 3 के सैंपल जांच के लिए रवाना और 19 लोगों की जाँच बाकी। भेजे गए वॉइस सैंपल के साथ वीडियो क्लिप डिस्पैच विधान सौधा पुलिस FSL रिपोर्ट का कर रही है इंतजार के जल्द से जल्द हो जाए इस मामले का छुटकारा। 7 लोगों की गई आवाज रिकॉर्ड, FSL रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की बात। होम मिनिस्टर का बयान, विधान सौधा में पाकिस्तान जिंदाबाद या नासिर साहब जिंदाबाद के नारे पर राज्य की सियासत में मचे बवाल पर होम मिनिस्टर जी परमेश्वर का बयान। कुल 27 लोगों को दिया गया था नासिर हुसैन के जरिए पास, जिसमें से 26 लोगों की लिस्ट तैयार, 7 लोगों की गई है आवाज रिकॉर्ड। सिर्फ एक क्लिपिंग नहीं, कई क्लिपिंग है इस
पूरी जांच के लिए तैयार FSL रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई करने का दिया बयान होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में मीडिया के पूछे गए सवाल पर। कांग्रेस गारंटी समावेश के चलते एग्जाम जाने वाले बच्चे बस की कमी से तरसे। हासन में राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं से फायदा उठाने वालों का समावेश आज से ही PUC सेकंड्स के एग्जाम्स देने के लिए बसों की कमी से भागम भाग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट विभाग बस का इस्तेमाल सरकारी समावेश के लिए ज्यादा तो जनता और कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कम, जिससे जिला हेडक्वार्टर हासन शहर में सैकड़ों बच्चे बगैर बस के एग्जाम सेंटर जाने के लिए करते दिखे संघर्ष। समावेश के लिए 700 बसों का इस्तेमाल कर रहा है ट्रांसपोर्ट विभाग। इन बसों की कमी से जिले के ग्रामीण इलाकों में लोग और एग्जाम देने वाले बच्चे हुए परेशान। शहर में जंगल का नजारा खाने की तलाश में हाथी बेचारा। आज सुबह जंगल से निकले हाथी को बेलगाम के वैभव नगर और शाहू नगर में देखकर जनता हैरान। शायद खाने की तलाश में हाथी निकला होगा जंगल से बाहर। शहर में पहुंचे थे ही हाथी को देखकर फॉरेस्ट विभाग और पुलिस को इसके आने की जानकारी दी गई, तो हाथी को फिर से जंगल की तरफ ले जाने के लिए अधिकारियों का संघर्ष, जबकि इंसानों की आबादी से निकलकर खेतों में दाखिल। किसी भी नुकसान से पहले हाथी को जंगल छोड़ने में कामयाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। विधान सौधा में भगवा शॉल पर पाबंदी रोकने पर हुआ बवाल। अब से विधान सौधा में भगवा शॉल पहनकर या लाने पर पाबंदी का आदेश सरकार ने जबानी हुक्म दिया है। अधिकारियों को इस आदेश का पालन करते हुए जब पुलिस ने विधान सौधा में BJP नेताओं की तरफ से ला रहे भगवा शालों को सीज करने की कोशिश की, तो इस दौरान भाजपा नेता और पुलिस के दरमियान हुई गर्मा गर्म बहस और हंगामा। किसने रोकने का ऑर्डर दिया है, राइटिंग में है तो दिखाने की जिद करते हुए भगवा शाल के साथ विधान सौधा में दाखिल हुए पुलिस की परवाह किए बगैर नेता। अगर पाबंदी लगानी है तो जबान से आदेश देकर क्यों, जबकि परेशान हो रहे हैं रोकने वाले ये अधिकारी। कोलार चिकमंगलुरु बेंगलुरु में पानी का हाहाकार। पानी का मसला राज्य में संगीन होता जा रहा है। राजधानी बेंगलुरु में खासकर पानी का मसला, एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी की बढ़ती ही जा रही है प्यास। वाटर लेवल कम होने से जमीन में, हालांकि CM ने जनता दर्शन प्रोग्राम में पानी की परेशानी पर ध्यान दिलाया था अधिकारियों का, लेकिन ऐसा लगता है इन हालात को देखकर ऑफिसर्स पानी की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी की शुरुआत में कोलार और चिकमंगलुरु जैसे शहरों को भी पीने के पानी की सख्त जरूरत पड़ गई है। पानी को लेकर मचे इस हाहाकार में बेंगलुरु में ब्लास्ट, भयानक आवाज। सिलेंडर से नहीं हो सकता ऐसा धमाका, पुलिस की जांच। न आग लगी न धुआं उठा, सीधे रामेश्वर कैफे की छत को फोड़कर 5 लोगों को घायल करते हुए हुआ यह भयानक धमाका। आसपास के सामान धमाके से टुकड़े टुकड़े, तो बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में रही रामेश्वर कैफे में धमाके की आवाज, लोगों में घबराहट का माहौल। HAL पुलिस धमाके की पीछे की तहकीकात में जुटी, तो पुलिस, फायर फाइटर्स, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें मौके की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे इलाके को घेर लिया गया है। होटल में बैठे ग्राहक और 3 कर्मचारी घायल। CCTV और धमाके की जगह से पहचान कार्ड की पहचान कर रही है पुलिस, तो कोई अनजान व्यक्ति बैग लेकर इस कैफे में आने के बाद सामने आ रही है। ब्लास्ट की आवाज़ भयानक थी, सिलेंडर धमाका नहीं हो सकता की बात आसपास के लोग कह रहे हैं। मोदी को जिताओ देश बचाओ का 3 मार्च से होगा प्रचार शुरू। कर्नाटका में मोदी को जिताओ देश बचाओ प्रचार की शुरुआत 3 मार्च कोलार जिला से होने की जानकारी राम सेना के फाउंडर प्रमोद मुतालिक ने दी। खुद प्रमोद मुतालिक ने ये जानकारी देते हुए कोलार के स्वर्ण कन्नड़ा भवन में प्रोग्राम किया जाएगा। देश को बचाने का एक ही रास्ता मोदी का फिर एक बार प्रधानमंत्री होना, कहा मुतालिक ने।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।